नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को शिक्षक भर्ती के बारे में सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि 70,000 BTC अभ्यर्थियों का क्या होगा, कब तक इनका रिजल्ट आएगा और क्या ये अगली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद में जो अगली शिक्षक भर्ती है 69,000, उसमें कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद में बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के मुद्दे की। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में ये बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 70,000 BTC अभ्यर्थियों की। BTC के वे अभ्यर्थी जो 2015 बैच के हैं या अन्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्क्रूटनी इत्यादि का एग्ज़ाम दिया है, बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया है और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को बताया था कि मूल्यांकन केंद्रों से जो मार्कशीट है या नंबर हैं अभी तक PNP को नहीं मिले हैं, और अभी हाल ही में अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं जो सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि जल्दी से जल्दी इनके जो मार्क्स हैं वो दिए जाएं। खैर, आज के विभिन्न समाचार पत्रों पर ये न्यूज़ मिली है और अनेक सूत्रों से खबर मिल रही है कि BTC अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है ये 15 दिसंबर के पहले पहले आ जाएगा, और अधिकारियों ने ये भी आश्वासन दिया है कि ये BTC 15 के जो अभ्यर्थी हैं ये अगली शिक्षक भर्ती में अवश्य अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। बहुत सारे समाचार पत्रों पर आज ये खबर छपी हुई है कि 70,000 BTC अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये जो अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि उसी विभाग से ये भर्ती हो रही है और उसी विभाग की ये परीक्षा है, और जो अपीयरिंग की जो गाइडलाइन है जिसका मुकदमा चल रहा है उसमें भी ये प्रावधान है कि जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है और जिन्होंने परीक्षा दे दी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो उनका TT वैध माना जाएगा। और ऐसा भी प्रावधान इस भर्ती में कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अगर अर्हता पूरी हो जाती है तो वो वैध अभ्यर्थी माना जाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं समाचार पत्र में छपा हुआ है कि यहाँ पर ये देखिए नीचे वाली लाइन, आवेदन की अंतिम तारीख तक अर्हता पूरी करने वाले परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो तो यानी कि जो लास्ट डेट है उसके पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये पूरी तरीके से वैध माने जाएंगे। और लेकिन इसके लिए BTC अभ्यर्थियों को लगातार दबाव बनाना होगा, जिस तरीके का दबाव उन्होंने अपनी परीक्षा के लिए किया था जब इनकी परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी पेपर आउट होने के लिए, तो उसी तरीके से दबाव को लगातार बनाए रखना होगा ताकि उनका रिजल्ट जल्दी आए और वे इस परीक्षा में शामिल हो सकें। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ का मुद्दा और इसके बारे में एक खास जानकारी। तो जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ जरूर रखा जाएगा। इसके लिए इलाहाबाद में और लखनऊ में अभ्यर्थी अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके का आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, और आज भी अभ्यर्थी PNP पहुंच गए हैं और अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से पूछा कि इसके बारे में ठोस जानकारी दी जाए कि कट ऑफ कितना रहेगा और कब घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में समाचार पत्र में भी छपा हुआ है और जो अधिकारियों ने जो बताया अभ्यर्थियों से कि कट ऑफ अवश्य रखेंगे और ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा के पहले ही कट ऑफ घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये देखना है कि कुल कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं उसके अनुसार कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारी सीटें खाली हो गई थी, कट ऑफ का निर्धारण पहले कर दिया गया था फिर उसे कम नहीं किया जा सका। ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन आने के बाद निर्धारित करेंगे कट ऑफ। नीचे लिखा हुआ बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार का कहना है कि कट ऑफ का निर्धारण आवेदन पत्रों की संख्या देखते हुए किया जाएगा। यदि आवेदन अधिक संख्या में आए तो कट ऑफ भी अधिक होगा, और यदि आवेदन पत्र अपेक्षाकृत कम संख्या में आए तो कट ऑफ भी नीचे रखी जाएगी।
ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी चयनित हो सकें। तो दोस्तों, कट ऑफ रखी जाएगी, इस बारे में निश्चिंत रहें। इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कुल कितने आवेदन आ सकते हैं, और इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि TET की जो परीक्षा में कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि TET की परीक्षा में लगभग 360,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, और उसके बाद में तो 360,000 अभ्यर्थी TET में पास हुए हैं, और उसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो BEd अपेयरिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, या BTC 2016-17 बैच के हैं, तो वे अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं, वो इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो उनकी संख्या अगर 20,000 मानी जाए तो लगभग 340,000 अभ्यर्थी इस बार जो TET पास हुए वे, और 60,000 अभ्यर्थी पिछली शिक्षक भर्ती के जिनका चयन नहीं हो पाया था, जो लिखित परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वे इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो कुल अभ्यर्थी लगभग 4,00,000 हो रहे हैं। तो भर्ती हैं आपकी 69,000, और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे वो 4,00,000। इसलिए अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने कहा है, तो कट ऑफ ज़्यादा ही रखा जाएगा। और अगर अभ्यर्थियों ने इसी तरीके का दबाव बनाया तो हो सकता है कि सरकार बहुत जल्दी कट ऑफ घोषित भी कर दे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।